जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी आपने शुरू कर दी होगी। लेकिन उससे पहले जो जरूरी काम था दोस्तों, अवध यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिया है आज यानी कि 25 जून से। तो आइए हम एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। एक बच्ची का फॉर्म हम भरेंगे भी ऑनलाइन यहाँ पे और आशा करते हैं कि आप उसको फॉलो करके आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम हैं अवध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको सीधे आ जाना है। ऑब्वियसली आबाद है, अगर आप गूगल पे RMLU सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम सीधे आ जाते हैं दोस्तों स्टूडेंट कॉर्नर में, और स्टूडेंट कॉर्नर में आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन, तो एग्जामिनेशन फॉर्म, ये वाला जो ऑप्शन है एग्जामिनेशन फॉर्म, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे, यहाँ पे देखेंगे है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का ऑप्शन। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आप आएंगे तो नीचे देखेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कॉलेज फॉर्म 2014, यहाँ पे दिखाएगा। देखिए एडमिट कार्ड के नीचे जस्ट थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है तो टाइम लेगा। अच्छा, ऐसा फॉर्म है कि आप खुद से भी भर सकते हैं, आपको जरूरी नहीं कि साइबर कैफे जाना है, मोबाइल से भर सकते हैं। कॉलेज एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग 2024, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है। और यहाँ पे इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म BEd पार्ट 2 MEd सेकेंड ईयर रेगुलर और एक्सेट्रा। तो जो बच्चे पिछले साल BEd में थे और किसी कारणवश उनका पेपर छूट गया था या फेल हो गए थे या किसी भी कारणवश कोई असुविधा हो गई थी, तो एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आएंगे, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर वो बच्चे जो रेगुलर हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर केवल व केवल सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा जा रहा है, फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो आइए हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपका इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट कोर्स में अंडर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिए, कोर्स नेम में आप बैचलर ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, और पार्ट टू में आप पार्ट टू तो आपको रहेगा ही। अब यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर था, आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर का रोल नंबर डाल दीजिए, ठीक है। और अगर कोई बच्चा MEd का दे रहा है तो बैचलर और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट में पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करेगा, फिर नीचे बैचलर ऑफ़ एजुकेशन में ऑलरेडी मास्टर ऑफ़ एजुकेशन आ जाएगा, फिर यहाँ पे MEd पार्ट टू हो जाएगा और नीचे आप रोल नंबर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप BEd का दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है BEd में अंडर ग्रेजुएट रहेगा और फिर यहाँ पे बैचलर ऑफ़ एजुकेशन रहेगा और फिर यहाँ पे BEd पार्ट टू रहेगा। तो ये बड़ा आसान से प्रक्रिया है, फिर यहाँ पे आप रोल नंबर डाल दें। रोल नंबर डाल के जैसे ही आप सबमिट करते हैं दोस्तों, आपका जो फॉर्म है वो पूरा ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये वो जो फॉर्म है दोस्तों जो आपका ओपन होके आ जाएगा। आई वुड लाइक टू थैंक्स निहारिका जिन्होंने मुझे डिटेल्स दी कि मैं उनका फॉर्म भर रहा हूँ। तो एक फॉर्म मैं यहाँ पे भर रहा हूँ दोस्तों। इस पूरे फॉर्म में आपको कहीं कुछ नहीं भरना है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके सारे डिटेल्स सही हैं कि नहीं है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बस एक चीज़ आपको फॉर्म में भरना है, वो क्या, इनरोलमेंट नंबर। यहाँ पे बच्ची का इनरोलमेंट नंबर नहीं था तो आप यहाँ पे डाल के आप अपना इनरोलमेंट नंबर भर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल होगी, अगर आप देख लीजिए कोई अगर छूटा है तो आप उसमें भर लीजिएगा, बाकी आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल रहेगा। केवल जो केवल इन्वॉल्वमेंट नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, तो आप अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर फिल कर दीजिए। अब एक समस्या आती है कि जिसके पास इन्वॉल्वमेंट नंबर नहीं है वो क्या करेंगे, वीडियो के एंड में बता दूंगा, पहले आइए इस फॉर्म को भर लेते हैं। तो फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, कुछ छूटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सेलेक्ट कैटेगरी आप भर लीजिएगा, सेलेक्ट कैटेगरी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो भी डिटेल्स यहाँ पे छूटी हो आप भर लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो प्रीवियस ईयर के मार्क्स आपके ऑलरेडी अपडेटेड रहेंगे। अब आपको मोस्टली क्या करना है दोस्तों, मोस्टली यहाँ पे ये करना है कि जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, और जैसे फैकल्टी ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऐड पेपर कर दीजिएगा, और जैसे ही आप ऐड पेपर करेंगे आपके तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स ओपन होकर आ जाएंगे। और यही वो तीन सब्जेक्ट्स हैं जो इस बार आपको सेकेंड ईयर में देना है। आपने ऐड पेपर कर लिया, क्या आप NSS हैं, यस तो यस कर लीजिए, नो तो नो कर लीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका फॉर्म ऑलरेडी कम्प्लीटेड हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आएगा कि एक बार प्लीज चेक कर लीजिए कि क्या आपके सारे डिटेल्स सही हैं कि नहीं, ऑब्वियसली बात सही है, तो आप ओके कर लीजिए। और जैसे ही आप ओके करते हैं दोस्तों, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अवध यूनिवर्सिटी के BEd सेकेंड ईयर का जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन कितना पेमेंट करना है। तो जी हाँ दोस्तों, 2710 रुपये का आपको पेमेंट करना है। आइए ज़रा 2710 रुपये का पेमेंट करते हैं, और जैसे ही आप 2710 रुपये का ये पेमेंट करेंगे आपका दोस्तों, आपका यहाँ पे फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। आप तो मेक पेमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों, मेक पेमेंट पे आके हम यहाँ पे फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं। 2710 रुपये आप किस माध्यम से भरना चाहते हैं,
आप पे विथ बैंक से करेंगे, यूपीआई से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे, किसी भी फॉर्मेट से आप पे कर सकते हैं। तो आइए ज़रा मैं यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। यूपीआई में भी आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे से करना चाहते हैं, तो आइए ज़रा पे हम अब इस डिटेल्स को तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, पेमेंट करके फिर मैं आपको बताता हूँ। सो जी हाँ दोस्तों, फाइनली पेमेंट भी हो चुका है और कुछ इस तरीके से फॉर्म भर चुका है और इस तरीके का पीडीएफ आपको निकल के आ जाएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए, कॉलेज में ले जाकर जमा कर दीजिए, कॉलेज से बात कर लीजिएगा। अगर जमा करना ज़रूरी नहीं हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पीडीएफ भेज दीजिएगा, कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। चलिए एक स्थिति में बात कर लेते हैं जिन बच्चों के पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है। देखिए अगर इनरोलमेंट नंबर नहीं है, फॉर्म तो आप फिर भी भर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आपके मार्कशीट पर इनरोलमेंट नंबर नहीं आएगा। तो अगर आपके पास समय है, विश्वविद्यालय जाइए, वहाँ पर बात करिए, अपने ग्रेजुएशन के डिटेल्स लेके जाइए। बाहर से फॉर्म भरना पड़ेगा, 250 रुपये लगेंगे, वहाँ पर जाकर सबमिट करिए, वहाँ से आपको सेम डे में इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। नहीं है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यही मैंने बताया आपको, मार्कशीट में नहीं आएगी इनरोलमेंट नंबर, तो अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। जो बच्चे सेम विश्वविद्यालय अवध से ही ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर होगा, आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं, वहाँ पर आप अपना इनरोलमेंट नंबर ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थे स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, मैं आपको भर के दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप। बिफोर स्टॉपिंग दिस वीडियो आई विल लाइक टू थैंक्स हम्बली, आई एम रियली ग्रेटफुल निहारिका, आपने मुझे अपनी डिटेल्स दी, मैं आपके डिटेल्स से फॉर्म भरा। मेक श्योर करूँगा कि आपकी प्राइवेसी डिस्क्लोज ना हो और उसको मैं ख्याल रखूँगा, आपके डिटेल्स बाहर ना आए, तो इसलिए मैं ख्याल रखूँगा। बट स्टिल आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे डिटेल्स दिया। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ फॉर्म भरने आप फॉर्म भरिए, कोई भी समस्या आती हो, कोई भी दिक्कत आती हो, कोई भी प्रॉब्लम आती हो, यकीन करें आपका भाई आपके साथ है। मुझसे जो भी हो सकता है संभवतः वो मैं आपके लिए सहायता करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम्स के लिए। बढ़िया से पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। रेगुलर बेसिस पे मैराथन क्लासेस आएंगे आपको, कोशिश करेंगे एक वीडियोस में एक यूनिट या दो वीडियोस में एक यूनिट आपसे ख़त्म कर दी जाए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-15 दिन इधर फॉर्म भरने का टाइम है और फिर 10 दिन उधर आपको एग्जाम्स में टाइम मिलेंगे। तो घबराइए मत, पेपर अच्छा हो जाएगा, बस फॉर्म भर लीजिए, सुकून से भर लीजिए, आराम से भर लीजिए। खुद से भी भर सकते हैं, मोबाइल से भर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती हो आप उसे हमेशा हमेशा संपर्क कर सकते हैं। खुशी होगी आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, कोई भी समस्या होती है आप इंस्टाग्राम पे हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बहुत शुक्रिया, फॉर्म भर लीजिए, मिलेंगे अगली वीडियो में पढ़ाई के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।